फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी कांदे पोहे, जो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो नॉर्मली हमारे पास घर पे होते ही हैं, लेकिन कई बार सिंपल रेसिपी भी बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका जो एक कांदे पोहे है बहुत ही ज्यादा खिला खिला और मॉइस्ट बनेगा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कांदे पोहा, महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत लोगों का पोहा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। उसके पीछे रीजन ये है कि पोहा जो है तीन तरह का आता है, एक बहुत मोटा पोहा, एक मीडियम साइज का और एक बहुत ही बारीक। ठीक है, इसमें फर्क क्या आता है, जो बारीक वाला पोहा होता है वो यूज होता है हमारे नमकीन के लिए। आपने देखा होगा नमकीन में चिड़वा डला होता है, जिसको कई लोग चिड़वा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। तो हमें वो बारीक वाला पोहा बिल्कुल नहीं लेना, अदरवाइज बनाने जाएंगे हम पोहा और बन जाएगी हमारी खिचड़ी। तो या तो आप मीडियम साइज का पोहा सकते हो या फिर जो सबसे मोटे वाला आता है। तो ये मैंने मीडियम साइज का पोहा लिया। ठीक है, ये लिया मैंने 1.5 कटोरी। अब सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से वॉश करना है। ये देखो, है ये बहुत ही सिंपल रेसिपी, लेकिन कुछ टिप्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत खिला खिला बनेगा। अब इसको अच्छे से, ताकि इसमें जितनी भी माल है या फिर जितना भी गंदा पानी है वो सारा, यानी कि जो मैल है, अच्छे से निकल जाए। और बहुत हार्शली नहीं इसको ऐसे करना, अदरवाइज क्या होगा, ये पोहा जो है हमारा, जिसको फ्लैटन राइस भी बोलते हो, ये टूट जाएगा। ठीक है, अच्छे से इस तरह से, ताकि अच्छे से सारी इसकी मैल निकल जाए। आप चाहे तो 2-3 बार भी इसको वॉश कर सकते हो। और जैसे ही पानी इसका साफ हो जाए, इसको हम अच्छे से छान लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, एक कोलेंडर आता है, या फिर अगर ये नहीं है तो आप सूप छन्नी भी ले सकते हो। इसमें जो है पोहे को हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, सारा जो गंदा पानी है वो नीचे निकल जाएगा और पोहा जो है ऊपर रह जाएगा। बस एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इसको सोक करके भी रखते हैं 2-3 मिनट तक। हमने इसको पानी में सोक नहीं करना, अदरवाइज ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, मतलब खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बस अच्छे से हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक वॉश करना है और इस तरह से उसको बस फटाफट से छान लेना है। अब जब तक ये छन रहा है, इसका पानी निकल रहा है, फटाफट से देखते हैं आगे क्या करना है। ऑथेंटिकली तो फ्रेंड्स, जो कांदे पोहा है वो बनता है पीनट ऑयल से, यानी कि मूंगफली के तेल से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास मूंगफली का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की हमको जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, थोड़ी सी मोटी वाली राई, हल्का सा इसको सॉटे होने देंगे। पता है इस रेसिपी की खूबसूरती क्या है फ्रेंड्स, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो नॉर्मली हमारे पास हमेशा ही घर पे होते हैं और कभी भी लगता ही नहीं है कि बाजार से कुछ लाना है। ठीक है, अब जैसे ही सॉटे हो जाए, मैं इसमें डालूंगी खूब सारे करी लीव्स, साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ग्रीन चिली, आप चॉप करके भी डाल सकते हो। हल्का सा सॉटे होने पे मैं इसमें डालूंगी पीनट्स। किस किस को पोहा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में खाओ, चाहे तो शाम को हल्की सी भूख हो, तो बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। और मोर ओवर, जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। बस हमने बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनना, हल्का सा स्टर फ्राई करना है, ताकि मूंगफली का जो फ्लेवर है वो उठ के आए। अब जैसे ही मूंगफली हल्के से सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं आज कांदे पोहे। तो इसमें डलेगा खूब सारा कांदा, यानी कि जिसको प्याज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपकी चॉइस है, आप 2-3 जितने मर्जी इसमें प्याज डालिए। अब इसको हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली सब्जियां पकाते हैं, हल्का सा क्रंचीपन रखना है। वैसे तो फ्रेंड्स, पोहे जो है बहुत अलग तरह से बनते हैं, मटर डाल के बनते हैं, सब्जियां डाल के, गाजर डालो, आलू डालो, लेकिन ये स्पेशल अलग ही एक पोहा है जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। अब ऐसे तो बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि आप चले जाओ ग्वालियर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, इंदौर चले जाओ, वहां का भी पोहा बहुत अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र का तो ओहो अलग ही बात है, और स्पेशली ये कांदे पोहे। प्याज हल्का सा सॉटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं करा और हल्का सा पिंकिश टोन में। इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के अराउंड, अब थोड़ी सी हल्दी। देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाले नहीं। अब इसको फटाफट से हम मिक्स करेंगे।
बस एक चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे कि पोहे को किस तरह से वॉश करना है, बहुत ज्यादा उसको भिगो के नहीं रखना। अब सेकंड, इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी जब हम पोहा डालेंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमारा पोहा था, ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है और कितना खिला खिला अभी बना है। अब इसको बड़े आराम से जेंटली, ताकि पोहा जो है हमारा खिचड़ी ना बने, बस यही कुछ चीजें हमने ध्यान से रखनी होती है। अब इसको बहुत ही जेंटली, ये देखिए आराम से मिक्सिंग करनी है। इसी टाइम पे थोड़ा सा बस ध्यान, बाद में तो एक बार बन गया फिर तो जैसे मर्जी अपना जोर लगाते रहो। अच्छे से इसको मिक्स कर दो ताकि सारे फ्लेवर्स जो है हमारे पोहे में आ जाए। देखा कितनी झटपट से हमारा बन गया कांदे पोहे। अभी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अभी बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे पोहा जो है आपका हमेशा गीला गीला यानी कि मॉइस्ट बनेगा, ड्राई बिल्कुल नहीं बनेगा। अब जैसे ही पोहा डाल दिया, साथ ही इसमें मैं डालूंगी आधा नींबू, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ी सी चीनी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप डालेंगे ना ओहो क्या हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट आता ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी धनिया, ओहो थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने पीछे मुंबई गई थी अमजी मुंबई, तो वहां मैंने देखा था किसी स्ट्रीट वेंडर को डालते हुए, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब फटाफट से इसको कर देंगे मिक्स, वो भी बहुत जेंटली। बहुत से लोग फ्रेंड्स पता क्या करते हैं, अब जैसे हम कांदे पोहे बना रहे हैं, अब इसमें मटर भी डाल देंगे, गाजर भी डाल देंगे, वो उसकी पता है ब्यूटी खत्म कर देते हैं। जो सिंपल रेसिपी उसको सिंपल रेसिपी रहने देते हैं ना, क्यों है कि नहीं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब एक ट्रिक और बता रही हूँ, गैस का फ्लेम स्लो ही रखना। अब बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि पोहा जो है मीन टाइम आधे घंटे बाद जब हम खाने लगते हैं या बाद में खाएंगे तो वो क्या होता है ड्राई हो जाता है, तो उसको मॉइस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे। अब गैस का फ्लेम जैसे स्लो है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इस तरह से ऐसे अराउंड 2 टेबलस्पून। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी गीला गीला नहीं लगेगा। अब इसको हम ढक देंगे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से जितने भी फ्लेवर्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाए और पोहा जो है हमारा बहुत ही खिला खिला मॉइस्ट बने। तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, लेट्स सी हमारे कांदे पोहा कैसा हुआ है। ओहो, अब चाहे आप किस तरह मर्जी इसको हिलाइए, ये देखिए कितना खिला खिला बना है, और इसको जैसे मर्जी रखिए बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगा। तो फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये रहा जी हमारा गर्मा गर्म कांदे पोहा। अब मॉनसून का सीजन है, इसको खाओ गर्मा गर्म चाय के साथ। ओहो कितना बढ़िया लग रहा है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है ना, माय गॉड। अब घर पे आज ट्राई जरूर करना, और नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपके कांदे पोहे जो है कैसे बने। और ऊपर से गार्निश कर देते हैं इसको थोड़े से लेमन स्लाइसेस के साथ। बहुत से लोग फ्रेंड्स इसमें ऊपर से गार्निश करते हैं, सेव के साथ भी कर देते हैं, अनियन के साथ भी करते हैं, यानी कि कांदे के साथ भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे सिंपल ही रख रही हूँ, ये देखिए। सो फ्रेंड्स आपको एक कांदे पोहे महाराष्ट्रीयन स्टाइल, मामची मुंबई स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।